नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपसे रूबरू हैं अपने YouTube चैनल बज़्म-ए-नात व अदब FGNA में एक ऐसे मुतहर्रिक और बहुत ही कोना मश्क शायर जो कि अरबाब फ़िक्र फ़न से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हम दुनियाए अदब में ज़काउल्लाह हज़रत मौलाना ज़काउल्लाह सना चिश्ती साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। आज उनकी हयात व खिदमात और उनके बारे में उन्हीं की ज़बानी जानेंगे इंशाअल्लाह। तो सदा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हजरत के ही शेर से हजरत के इंटरव्यू का आगाज करते हैं। सैले खिरत से नूर के मीनार की तरफ, सैले खिरत है नूर के मीनार की तरफ और हर शय झुकी है अहमदे मुख्तार की तरफ। सैले खिरत है नूर के मीनार की तरफ और हर शय झुकी है अहमदे मुख्तार की तरफ। दुनिया की रौनकों से बहुत दूर हो गया। देखा है जब से तैबा के गुलजार की तरफ। हजरत आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप तशरीफ लाए उसके लिए बहुत आपका आपके ममनून मशकूर हैं। तो अपना तारुफ और अपनी पैदाइश की जगह, कहाँ आपकी विलादत हुई, किस सन में, उसके बारे में कुछ नाज़रीन इकराम को बताना चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका मुतशक्किर हूँ, ममनून कि आपने उर्दू अदब की अजीम खिदमात को अंजाम देने के लिए बज़्म-ए-नात व अदब के नाम से एक चैनल और एक उर्दू अदब का बेहतरीन प्लेटफॉर्म, फरोग़ उर्दू अदब के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके बानी भी आप हैं, एडिटर भी आप हैं आज भाई, और उसके साथ साथ आपकी मैं कानपुर की सरजमीन पे देखता हूँ, अदबी, समाजी, मिल्ली, सकाफती, फलाही, हर तरह के कामों में, स्कीमों में अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपको इस तरह की मजीद खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और सदा ख्वाजा करीम नवाज का फैजान आप पर जारी उसाई रहे, क्योंकि आप इसके नाम से भी एक एसोसिएशन चलाते हैं और उसके तहत गरीब यतीम मिस्किनों की मदद भी किया करते हैं। बेशक ये सब फैजान है। और मैं जो आपकी बारगाह में आज हाजिर हुआ हूँ बहसियत शायर, ये भी हमारे ख्वाजा का बहुत मखसूस फैजान है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम है मोहम्मद ज़काउल्लाह सना। हमारी तारीख पैदाइश है 15/7/1983। हम यहाँ से दूर सूबे बिहार में, जिला है सीतामढ़ी, वहाँ एक कस्बा है मौजे गाढ़ा जो पुपरी से मुत्तसिल है, वहीं की मेरी पैदाइश है। और जहाँ तक शेर व शायरी का ताल्लुक है तो ये चीज़ बचपन ही से लोगों के शायर के खमीर में डाल दी जाती है। तो मैंने जब आँख खोला तो हमारे इलाके में रमज़ान मुबारक के मौके पर शब्बेदारी का अहतमाम होता था। वहाँ मौलाना मंजरुल हसन साहब थे और मौलाना सलमान आसी साहब थे। पूरे महीने का एक एक दिन के हिसाब से उन्होंने कलाम लिखा था और सारे गांव के लोग, यानी साइकिल पर रेडियो बांध करके, माइक बांध करके, और उसके बाद पढ़ते थे पूरे गांव में, यानी गश्त करते थे। तो जब मैंने अपने घर में माँ बाप की गोद में आंखें खोली तो उसके बाद से शेर व शायरी मेरे कानों में गूंजती रही। तो इस तरीके बचपन ही से शौक रहा। तो हज़रत, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की, क्या क्या क्वालिफिकेशन रही आपकी? इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव आबाई वतन में हासिल की। उसके बाद मजीद तालीम को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में भी मुझे कुछ दिन क़याम पज़ीर होकर के पढ़ना पड़ा। बिहार में ज़्यादा वक्त हमारा तालीम के एजुकेशन के अतबार से बिहार में गुजरा। तो इस तरीके से हमारी तालीम हुई। तो हज़रत, अपने अहले खाना का तारुफ पेश कराना चाहेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर भरा पड़ा है, बड़ा परिवार है। हमारे 5 भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 10 बहन हैं। माशाल्लाह। वालिद बुजुर्गवार अभी हयात हैं, वालदा भी हयात हैं। माशाल्लाह। और उन्हीं की दुआओं का समरा है कि आज जो भी कुछ है हम हैं। बेशक ये सब वालिदैन दुआओं का हसीन समरा है। और उसके बाद अपने पीर मुर्शिद का फैजान है।
तो ये है कि अभी हजरत दाखिले सिलसिला कहाँ से है आप है? हमारा सिलसिला चिश्तिया सिलसिला है और हमारे पीर मुर्शिद पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा हजरत अशाह मंजूर आलम साहब ये हमारे देखा जाए हकीकत में शेर व शायरी के भी उस्ताद ये हुए और हमारे क्या बोलते हैं कि पीर उर्दू अदब के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू हो रही थी। तो हजरत आपने फरागत कहाँ से हासिल की, किस किस कॉलेज से, किस इदारे से, क्या क्या क्वालिफिकेशन की, उसके बारे में कुछ नाज़रीन आपको बताएंगे? जी जैसे हाफिज कारी आलिम वगैरह उसका फाजिल तक की डिग्री मैंने हासिल की मदरसा फाजिल मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से भी और मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ से भी मैंने ये सब डिग्रियाँ हासिल की जो सर आज के डेट में समकक्ष एमए की डिग्री होती है ये सब मैंने हासिल की। तो हजरत आपके असातिज़ाए कराम कौन कौन रहे शायरी में और कॉलेज लाइफ में? जी हमारे कई ऐसे बड़ी तवील फहरिस्त रही क्योंकि एजुकेशन का दौर बड़ा तवील रहा तो इसका नाम बताए सारे साथ हमारे लायक के साथ एहतराम है। मदारिस में कोई एक मदारिस में कोई एक असातिज़ा नहीं हुआ करते हैं समझ में किसी में 20 मदरसे मदारिस होते हैं किसी में मदरसे के दौर में अलग अलग दर्जे हिफ्ज में जो है कारी जाहिद साहब गुजरे हैं जो बड़े फन क़िरात के माहिर थे उनका यानी शर्फ तलम्मुज़ हमें हासिल रहा। उसके बाद ये मौलाना हुमैदुर रहमान साहब गुजरे हैं उनका भी रहा, मां अब्दुल रशीद साहब गुजरे हैं इमाम मंतिक वो कहलाते थे हमारे अपने दौर में, तो इन सब की सोहबतें कार फरमा रही। और शेर व शायरी के ताल्लुक से उस्ताद कहा जाए तो दर हकीकत जो असल मैंने जो कुछ सीखा है तो हमारे पीर मुर्शिद का फैजान है अशाह मंजूर आलम साहब के बिला जो उन्होंने और बहर उसके बाद में चल करके उस्ताद शोरा मोहतरम नसीर नादा कानपुरी साहब को मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं आप बताऊं कि वो ये उनकी जात है कि दोबारा मैं शेर व शायरी की दुनिया में आया क्योंकि पहले मैं कहता था 15 साल तक ये गैप रहा और ऐसा गैप रहा कि मैं उस दरमियान में ज्यादा कुछ कहा नहीं। उसके बाद अचानक एक वाकया हमारे साथ बड़ा अजीब गुजरा है जो आपने लिखा भी कोई ऐसे वाकया बताओ तो 15 साल पहले मैंने काफी कलाम कहे जो ब्याज थी वो सब दीमक की नजर हो गई और 15 साल तक मैं बिल्कुल शेर व शायरी को भूल गया था सिर्फ नाम के आगे मोहम्मद ज़कावुल्लाह सना लिखता था। तो ऐसे ही हम थे कारी सगीर आलम हबीबी नायब काजी शहर है अल्लामा आलमदार साहब के साहिबजादा हैं और कारी नौशाद रज़ा अज़हरी हम सब प्रोटेस्ट में जा रहे थे शाहीन बाग। जब शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जा रहे थे तो वहां से ख्वाजा के दरबार में हाजिरी हुई तो उनके गुम्बद के सामने जो मस्जिद है शाहजहानी वहां में बैठा हुआ था तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हो अभी तक तो नाम के आगे सना लिखते हैं तो सना का कुछ तखल्लुस का हक अदा कर लिया जाए। मैंने किताब में इसको भी तफसील से लिखा तो मैंने ख्वाजा की बारगाह में रब से दुआ की है रब तू बड़ा करीम है ख्वाजा के सदके से जो मैं अपने नाम के आगे सना लिखता हूँ उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा और मुझे भी कुछ कहने की तौफीक अता फरमा। वहीं से मतलब फैजाने गरीब नवाज जा ट्रेन के अंदर में यानी हम थे कारी सगीर साहब थे नौशाद साहब थे उन सब की मौजूदगी में सफर के दौरान ही तकरीबन 13-14 शेर पर मुश्तमिल शाहीन बाग के ऊपर मैंने एक नज़्म लिखी। माशाल्लाह बड़ी बात है। उसी के 2-3 दिन के बाद 15 अगस्त का यानी क्या बोलते प्रोग्राम था योम जमहूरिया योम आज़ादी का तो उस मौके पे आज़ादी पे मैंने कलाम पूरा लिखा और वो दोनों कलाम लेकर के नसीर दादा की बारगाह में पहुंचा तो उन्होंने कहा बहुत देर अभी तक तो तुमको साहब दीवान हो जानी चाहिए कहाँ तक आए कितनी किताबों के यानी क्या बोलते राइटर हो जाते। वहां से जो रहनुमाई उन्होंने की है आज हर 2 दिन होता है मिलता है तो हर 2-4 दिन पे वो हमको बुलाते थे हमेशा 2 कलाम 3 कलाम 4 कलाम 5 कलाम इस तरह में उनको देता था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इंतकाल के वक्त तकरीबन
100 से ज्यादा कलाम हो चुके हैं सर, तो दीवान यानी क्या बोलते हैं एक मजमुआ शक भी और मंजर आम पर भी आ चुके। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो हजरत हर शख्स की जिंदगी में जो है कुछ ना कुछ ऐसे यादगार लम्हात होते हैं जो हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाया करते हैं, तो अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हात शेयर करना चाहेंगे। यादगार लम्हा तो मैंने आपके सामने, इससे बड़ा यादगार लम्हा क्या हो सकता है कि ये सब आपकी शायरी की भी शुरुआत हुई रोज़ाए गरीब नवाज़, रोज़ाए गरीब नवाज़ से उनका फैजान है। जब तक उनका फैजान इस क्या बोलते हैं फकीर पर जारी रहेगा, इसी तरह ये कलाम कहने का सिलसिला भी जारी रहेगा इंशाल्लाह, तो कयामत तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। बस ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है, तो ये है सही बात। बाकी जहाँ तक यादगार लम्हा, तो मैंने इस कानपुर की सरजमीन पर बड़े नशीब व फराज देखे हैं जी, जी। बहुत दौर झेले हैं जी, बहुत मुसीबतें भी झेली हैं और अल्लाह ने आज जो मकाम अता किया है ये सब ख्वाजा का और अल्लाह उसके रसूल का बेपनाह करम है, जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए कम है। तो हजरत हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत एक आइडियल शख्सियत होती है, वैसे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो हम लोग के प्यारे आका मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन ही सारे मुसलमानों के लिए आइडियल है, मगर दुनिया में भी कोई एक ना एक शख्स ऐसा होता है हम लोग जिसके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, जिसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो कोई आइडियल शख्सियत आपकी जिंदगी में रही उसके बारे में कुछ फिक्र करना चाहेंगे। देखिए जहाँ तक आइडियल की बात है तो हम मुसलमानों का यही अकीदा होनी चाहिए, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, हमारे जो आइडियल हैं हमारे रहनुमा हैं परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उस आइडियल की तक हमारी रसाई करा दे, जो जो उस आइडियल की शनाशाई हमारे दिल में करा दे, जो उस आइडियल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस दिल में मुजस्सर कर दे, वो हमारे पीर मुर्शिद है। तो पीर मुर्शिद ही आपके आइडियल है माशा, उस्ताद भी रहे पीर भी रहे और वही आइडियल भी। तो हजरत हमारे इस चैनल बज़्मे नातो अदब FGNA के जरिए से और आप कुछ पैगाम अपने उदबा हजरात जो आपके शाशोरा हजरात हैं उदबा हजरात हैं और बाशिंदगाने मुल्क के लिए कुछ एक पैगाम यहाँ से नश करना चाहेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बज़्मे नातो अदब का हमें आपने दिया है, जिस वजह से हम अपने यानी क्या बोलते हैं उदवा को भी पैगाम दे सकते हैं और हिंदुस्तान की आवाम को भी पैगाम दे सकते हैं। तो माशाल्लाह पूरी दुनिया ही देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, और माशाल्लाह आपके चैनल का याद भाई पूरी दुनिया में नाम भी है, अल्लाह ताला मजीद मजीद तरक्की अता फरमाए। मैं तमाम अदबी हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि आप जो हैं आपकी वजह से आपकी तख्लीक से मुल्क की तामीर होती है, आपकी तख्लीक ऐसी हो जो इंसानियत को दावत दे रही की दावत दे रही हो, जो फलाह व बहबूद की दावत दे रही हो, जो अच्छाइयों की दावत दे रही हो, आपकी तख्लीक से या आपका कलम चले जिससे क्या बोलते किसी मासूम की तो जान बच जाए और किसी मजलूम का खून ना होने पाए, तो ये खास एक पैगाम है। दूसरी चीज जो अदबी तंजीमें हैं वो तशख्स पसंदी से खेमा बंदी से उठ करके अदबी खिदमात को अंजाम दें। अदब में एक बहुत बड़ी ये हम आपकी बात वो करके कर रहे हैं कि ग्रुपबाजी बहुत है, जिसकी वजह से उर्दू का जो फरोग है जो वो चीजें हैं, मतलब एक ग्रुप का शायर दूसरे ग्रुप के शायर के कलाम पे मतलब वो भी नहीं करता है, रिस्पॉन्स भी नहीं सही देते लोग, उन्होंने देखा हम लोग भी जुमे हैं बचपने से, तो देखा कि यह ग्रुप का शायर अगर पढ़ रहा है किसी दूसरे ग्रुप के लोग बैठे तो उसकी हौसला अफजाई भी नहीं करते, उसकी तारीफ भी नहीं करते, अच्छा शेयर पढ़ रहे हैं तब भी, तो ग्रुप बंदी बहुत है उर्दू अदब में, इससे अगर थोड़ा सा हटेंगे तो भी बहुत काम हो सकता है। मैंने ये जायजा लिया है क्योंकि एक ग्रुप से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ प्लेटफॉर्म से, बहुत बड़े और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे साथ महवर अदीबी साहब वैसे एक शायर भी हैं और उस्ताद शुरा हसन सफीपुरी साहब भी जुड़े हुए हैं और तमाम अहबाब हैं, और तकरीबन हर महीने 70-75-50 से ऊपर ही कलाम आया करते हैं कलाम। लेकिन कहना यह है कि जो ये ख्याल रखते हैं कि हम उस ग्रुप को सराहेंगे उस ग्रुप को नहीं सराहेंगे या शायद उस ग्रुप का है इस ग्रुप का नहीं है, ये बहुत बड़ी हिमाकत है उर्दू अदब को, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर हाँ समझ रहे हैं
और जो इस तरह के अकीदे के इस अकीदा इस तरह की सोच के साथ अगर शेर व शायरी करता है तो मैं कहता हूँ कि वो उर्दू अदब का खादिम नहीं हो सकता। अगर उर्दू अदब का खादिम वही है कि जो तासुब की के यानी माहौल से उठ कर यानी क्या बोलते उर्दू अदब की खिदमत करे और देखे, अगर वो अपने इस खिदमत को अंजाम देगा तो वो हर ग्रुप के लिए काबिले सताइश होगा और हर ग्रुप के लोग उसकी इज्जत करेंगे। तो हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुतअद्दिद कलाम भी कहे हैं, तो आपका कुछ मजमूए कलाम भी नशर हुआ, उसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताएंगे कौन कौन से आपके मजमूए कलाम जो नशर हो चुके हैं उनके बारे में कुछ? नहीं नहीं, अभी हमारा जो मजमूए कलाम, मैंने कहा ना कि मेरे शायरी की जिंदगी ऐसे तो है पुरानी लेकिन 15 साल के लिए क्या लेकिन फिर नसीर नाला साहब ने उसमें ऑक्सीजन दिया और उनकी जो इनायत रही हसर सफीपुरी साहब और बाबे फिक्र फन के जुमला शोराए कलाम का ताउन और उनकी हौसला अफजाई जो शामिल रही, तो एक मजमुआ काविश के नाम से मेरा मंजर आम पर आ चुका है। दूसरा मजमुआ हमारा क्या बोलते हैं कि सनाए मोहम्मद के नाम से जो नातिया मजमुआ है खालिश, वो क्या बोलते हैं जेर तरतीब है। और एक और किताब, बड़ी जखीम किताब जो तकरीबन 1 साल से हमने अरबाब फिक्र फन के मुशायरे कराए हैं, तरही मुशायरे जिसमें पूरे हिंदुस्तान के मुवक्कत शोराए कलाम मौजूद हैं, उन सब के कलाम को यकजा करके तकरीबन 400 सफात पर मबनी ये किताब कारवाने अदब 2021 के नाम से वो भी छप रही होगी अंतरी मंजर आम पर। बहुत बड़ा है उर्दू अदब का काम है और अलहम्दुलिल्लाह आप लोग भी देखते रहते हैं, बहुत मेहनत आप करते हैं और अरबाब फिक्र फन जितनी जल्दी तरक्की किया है और जितनी जल्दी इसको शोहरत मिली है ये सब मेहनत का ही नतीजा है और पूरे हिंदुस्तान के मुताअद्दिद शोरा को आप लोगों ने जोड़ा। मैं तो इसके लिए कलाम हर महीने मुशायरा जी जी मैं इसके लिए तो आप जैसे जो मुखलिस हैं अदब नवाज लोग हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं, नहीं तो यहां तक मेरी भी साथ है या हमारे अरबाब फिक्र फन तंजीम की भी साथ है, मैं तो यही ऐसे मौके पर कहता हूँ, रब का शुक्र अदा करता हूँ। और कैफी आजमी का शेर ये कहना मैं पसंद करूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मर्जी मगर लोग साथ आते गए और कहा कौन बनता गया। इंशाल्लाह हजरत आपका साथ रहा तो अभी एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं अपने चैनल का बदमेरा तो अदब, हमारी तंजीम भी एसोसिएशन की यूनिट उसके जरिए भी महफिलें होती हैं नशिते, तो हम लोग नातिया मुशायरे का और गजल मुशायरे गजल के मुशायरे का इंशाल्लाह चैनल पे प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसमें आपके पूरे बिल्कुल आप लोगों को आप आवाज दीजिए, जहाँ पे कोई नहीं आएगा हम और हमारी अरबाब फिक्र फन खड़ी होगी और जब जिस वक्त जरूरत पड़ेगी जितने साल के मुशायरे आपको मैनेज करना है जितने शायर हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्टूडियो में आएंगे और इस नियत से आएंगे कि उर्दू का आपको तहफ्फुज़ दे सके उसकी खिदमत कर सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोना मश्क शायर हुए, तो हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन को अपना कोई नातिया कलाम भी सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा है कि जब आ गई है बात तो सबसे पहले मैं बाद में नात सुनाऊं या गजल भी सुनना है? नात शरीफ अभी सुना दे, गजल का प्रोग्राम तो फिर आपका होना ही है। जी 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 बिल्कुल, तो नात शरीफ इंटरव्यू में नात शरीफ हो जाएगी और गजल का प्रोग्राम अलग से हो जाएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हुक्म है आपका और मैं अभी आपकी बारगाह में एक नात शरीफ और जिसे आपने कोट भी किया है तो बेहतर मैं समझता हूँ कि उसी के चंद शार तरन्नुम ही में टूटी टूटी तरन्नुम में सुनाने की कोशिश करता हूँ। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैले खिरद है नूर के मीनार की तरफ, सैले खिरद है नूर के मीनार की तरफ, सैले खिरद है नूर के मीनार की तरफ, हर शय झुकी है अहमद मुख्तार की तरफ, हर शय झुकी है अहमद मुख्तार की तरफ, दुनिया की रौनकों से बहुत दूर हो गया, दुनिया की रौनकों से बहुत दूर हो गया, दुनिया की रौनकों से बहुत दूर हो गया, देखा है जब से तैबा के गुलजार की तरफ।
देखा है जब से तैबा के गुलजार की तरफ। बहुत अच्छा। और ये शेर कि कामिल यकीन है मुझे मिल जाएगी शिफा। कामिल यकीन है मुझे मिल जाएगी शिफा। कामिल यकीन है मुझे मिल जाएगी शिफा। चश्मे करम करेंगे वो बीमार की तरफ। चश्मे करम करेंगे वो बीमार की तरफ। और खौफ ओ हरास जाने कहां पल में गुम हुए। खौफ ओ हरास जाने कहां पल में गुम हुए। जब वो निगाह उठी गुनहगार की तरफ। जब वो निगाह उठी गुनहगार की तरफ। और ये शेर कि नजरों को नक्श पाए शहीदी की है तलाश। नजरों को नक्श पाए शहीदी की है तलाश। उम्मीद तेज गाम है दीदार की तरफ। उम्मीद तेज गाम है दीदार की तरफ। फिर उसको इस जहान से कोई गरज नहीं। उसको इस जहान से कोई गरज नहीं। फिर उसको इस जहान से कोई गरज नहीं। जो दिल झुका है सैयद अबरार की तरफ। जो दिल झुका है सैयद अबरार की तरफ। और ये मेरे दिल की आवाज है। और अल्लाह ताला हम सबको उस सब में शामिल फरमाए, मुलाजा फरमाए। ऐसी सफों में नाम हो शामिल मेरे खुदा। ऐसी सफों में नाम हो शामिल मेरे खुदा। ऐसी सफों में नाम हो शामिल मेरे खुदा। दीवाना वार जो चले सरकार की तरफ। दीवाना वार जो चले सरकार की तरफ। मक्ति का शेर जी अता हो कि राहे खुदा से उसको सना मिल सकेगा क्या। राहे खुदा से उसको सना मिल सकेगा। राहे खुदा से उसको सना मिल सकेगा क्या। मुड़ मुड़ के देखता है जो घर बार की तरफ। मुड़ मुड़ के देखता है जो घर बार की तरफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया माशाल्लाह। इंशाअल्लाह हम फिर आपको मंजू करेंगे। तो हजरत आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी जो तंजीम है फैजानी गरीब नवाज एसोसिएशन और उसकी अंतिम यूनिट बसमिनात अदब, उसी के नाम से हमारा ये चैनल है बसमिनात अदब एफजीएन है। उसके लिए कोई दुआया कलमात तासरात पेश करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अदबी बज़्म-ए-नात अदब अदबी तंजीम है जो हमेशा अयाज़ अहमद चिश्ती साहब ये नात मनकबत गज़ल यानी नसरी दुनिया में के एतबार से मुख्तलिफ शोरा का अदबा का इंटरव्यू लिया करते हैं, उन्हें के अशआर को पेश किया करते हैं। और इसके साथ साथ फैजान गरीब नवाज़ एसोसिएशन जो एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, जिसके जरिए से गरीब यतीम मिस्कीन नादार मुफलिसों की आप खिदमत किया करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अयाज़ चिश्ती साहब को अल्लाह तबारक तआला सेहत व कामरानी अता फरमाए और इनके जो साथ जुड़े हुए अरबाब हैं, मुखलिसीन हैं, महिबीन हैं, तंजीम के लोग हैं, उनके उनके भी जायज मकासिद को पूरा फरमाए। रब तआला उनके मुआविनीन के कारोबार में बेपनाह बरकतें फरमाए ताकि इस तंजीम को और तकवियत हासिल हो और उनकी खिदमत से अवामुन नास रोशनास हो सके। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपकी अदबी और शेरी खिदमत के एतराफ़ में अपनी तंजीम फैजान गरीब नवाज़ एसोसिएशन और अपनी उसकी अदबी यूनिट बज़्म-ए-नात व अदब की जानिब से आपको सर्टिफिकेट नवाजना चाहेंगे।
तो नाज़रीन इकराम, आज आपने उर्दू अदब की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात की जो कि जिनकी अदबी तंजीम अरबाब फिक्र फन के नाम से जानी और पहचानी जाती है। बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत वह, और उर्दू अदब के लिहाज से और नाटिया अदब के लिहाज से नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं हजरत मौलाना ज़कउल्लाह सना चिश्ती साहब, जिनसे आज आपने मुलाकात की। उनकी हयात व खिदमत के बारे में जाना, उनके बारे में जाना, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना, और उनसे बहुत ही मेयारी नातिया कलाम भी आपने समाप्त फरमाया। इंशाल्लाह हम फिर उनको स्टूडियो में मधु करेंगे और फिर हजरत खिदमत अंजाम देंगे। इस उम्मीद इस यकीन के साथ अल्लाह हमारा आपका हम सबका हामी और नासिर हो। कैमरा मैन मोहम्मद आसिफ फारसी के साथ अयाज अहमद चिश्ती, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।